আচ্ছা ঋষিজি, ওয়াই আর অ্যাসেটিক্স প্রোহিবিটেড ফ্রম অ্যাক্টিভলি ক্যারিং আউট কম্প্যাশনেট অ্যাক্টস দেমসেলভস? જૈન શાસ્ત્રના અનુસાર જૈન શાસ્ત્ર કે અનુસાર તીર્થંકર મહાવીર કા જો માર્ગ હૈ વહ માર્ગ સાધના કા માર્ગ હૈ ઓર જીવન કે તમામ દુઃખો સે મુક્તિ કા માર્ગ હૈ લેકિન ઉસ મુક્તિ કે માર્ગ કા जो विवेचन है वह सम्यक ज्ञान दर्शन चाहे प्राणी मोक्ष मार्ग का, और इसी को आने वाले आचार्यों ने ज्ञान क्रिया भी मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है, इसका अर्थ है कि ज्ञान और क्रिया दोनों ही है। अगर हम ज्ञान को उसकी जो सीमा है उसकी सीमा प्राचीन 2000-2500 वर्ष के इतिहास में देखते हैं तो ज्ञान को जबरदस्त व्यापक रूप मिला है। ज्ञान केवल आत्मज्ञान तक नहीं है, ज्ञान प्राचीन आगम है, ज्ञान उन आगमों की व्याख्याओं में है और लोकोत्तर साहित्य के साथ साथ उसकी भाषा के संबंध में, उसके व्याकरण के संबंध में, उसके आने वाली व्यवस्थाओं में दर्शन और नव्य न्याय और ऐसा कोई भी विधा उस युग की कि जिन विधाओं को जैन आचार्यों ने उस पर लिख करके ज्ञान को इतना व्यापक रूप दिया है, जिसका इतना बड़ा साहित्य और साहित्य की संपदा आज आपके पास में है, तो इसका अर्थ है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है कि ज्ञान केवल आत्मज्ञान की बात करते तो व्याकरण ना लिखते, ज्ञान अगर आत्मज्ञान की ही बात होती तो अलंकार ना लिखते, वो दर्शन शास्त्र की बातें ना करते, वो किसी के शास्त्रार्थों पर वो किसी को चुनौतियाँ देख करके उसको समाधान ना करते। आप बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ज्ञान को इतना व्यापक रूप मिला है और उस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए तीर्थंकर महावीर ने कहा था कि इसको लिखा ना जाए, लेकिन उस आदेश का आदेश को अगर उसी रूप में अगर सुरक्षित रखा जाता तो आज हमारे पास में महावीर की जो वाणी है वो सुरक्षित न रहती और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शास्त्रों का जब लेखन हुआ है तो उस लेखन के लिए ताड़ के पत्तों को, पेड़ों के पत्तों को तोड़ा गया है, उनको सुरक्षित किया गया है, उन पर लिखा गया है और जो लिखा गया है और उसको जिन पेजों पर लिख करके जो एक वस्त्र में सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया गया है तो उसमें जो जम्स पैदा होते हैं, तो आचार्यों ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि हो सकता है कि चक्रवर्ती की सेना में से कोई खरगोश बच जाए लेकिन शास्त्र के पेज में कोई जम्स पैदा हो जाता है तो सुरक्षित नहीं है। उसके बाद में भी उन शास्त्र भंडार को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ों के भीतर में गुफाओं को खोद खोद करके उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। ये ज्ञान साधना का अंग है या नहीं है, यह मुक्ति के मार्ग का एक साधन है कि नहीं, और ये किन लोगों ने किया है? आचार्यों के बिना प्रेरणा के ये केवल एक गृहस्थों का काम नहीं था, ये साधुओं ने इस ज्ञान के अंतर्गत ही इन सबको लिया है। इसी प्रकार से क्रिया को भी अगर देखा जाए तो इतना बड़ा स्थापत्यों का निर्माण, इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं, इतने बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे गए शिलालेख, इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर लिखे बनाए गए इतने बड़े मंदिर और इतने बड़े बड़े संघ का निर्माण, ये सब क्रिया के अंतर्गत है, यानी आत्मसाधना की क्रिया में आता है कि नहीं? क्या इसको हम अलग कर सकेंगे? और अगर हमने इसी ज्ञान और क्रिया को अगर हमने केवल आत्मसाधना तक ही माना होता तो क्या इसकी ज़रूरत थी? इन शास्त्रों को लिखने की ज़रूरत थी? इसके लिए इतना बड़ा आरंभ समारंभ करने की ज़रूरत थी? और क्रिया की दृष्टि से भी इतने बड़े बड़े स्थापत्यों का निर्माण क्या इसकी ज़रूरत थी? लेकिन उस परम ज्ञान को प्राप्त करने एक उपाय है और जैन शासन को सुरक्षित रखने का,
लेकिन समय के साथ में हमारा ज्ञान सिकुड़ता गया, सीमित होता गया, हमारी क्रियाएं भी सिकुड़ती गई, परिणाम हुआ कि समाज भी सिकुड़ता गया। हम एक इतिहास हमारे समक्ष है, क्या हम इस बात को नहीं जानते हैं कि ब्राह्मण इस धर्म के अनुयायी थे, क्षत्रिय इस धर्म के अनुयायी थे, शूद्र इस धर्म के अनुयायी थे, कहाँ चले गए हैं वे? आसाम, उड़ीसा, हिंदुस्तान का तमाम पूर्वांचल, लाखों और करोड़ों की संख्या में जैन धर्म को मानने वाले लोग थे। काबुल, कांधार, अफगानिस्तान तक फैला हुआ जैन धर्म सिमट करके एक सीमित समाज में आ गया। इसका कारण कि हमारा ज्ञान संकुचित हो गया, हमारी क्रियाओं में इसमें पाप, उसमें पाप, इसमें कर करके हमने अपने आप को संकुचित कर दिया। यदि मुक्ति का मार्ग दुख मुक्ति है, केवल इस जीवन की इस संसार से कर्मबंध से मुक्ति एक छोटा सा भी दुख है, वो मुक्ति भी मोक्ष है। अगर एक भूखा व्यक्ति है, उसकी भूख अगर हम मिटाते हैं, इसको महावीर ने अशुभ कर्म नहीं कहा, यह भी शुभ कर्म है। और जब तक योग है, मन वचन काया की प्रवृत्ति है, तब तक कर्म बंद है और ये 13 गुण स्थान तक है। तो क्यों इस तरह से इसको संकुचित किया गया, ये एक बहुत बड़ा एक विचार का प्रश्न है, इसके खोज का प्रश्न है कि इतना व्यापक ये धर्म इतना सिमट करके एक छोटे से दायरे में क्यों बंद हो गया है और आज भी हम उस सीमा से बाहर जाना नहीं चाहते। हमें अध्ययन करना होगा, समीक्षा करनी होगी और उसकी व्यापकता के विस्तार देने के लिए प्रयत्न करना ही होगा। एंड सो व्हाई डू वी प्रिंसिपली फोकस ऑन लाइफ आफ्टर डेथ रादर देन द प्रेजेंट? ऐसा देखा जाए तो जैन आगमों में जीवन की छोटी से छोटी बात का भी विचन है। उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा कि बस जो भी कुछ करना है मरने के बाद का मोक्ष कर। जब हमारे पास में बाहर में कुछ करने को नहीं रह गया, जैसे कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर, बाहर में कुछ कर, इसमें पाप, चलो तो पाप, बैठो तो पाप, खाओ तो पाप, रसोई करो तो पाप, खेती करो तो पाप, पशुपालन करो तो पाप, कुआं खोदो तो पाप, मकान बनाओ तो पाप, किसी की दवा दो तो पाप, जब हमें पाप दिखाई देने लगा तो इस जीवन में करने जैसा कुछ नहीं, तो बचा केवल परलोक के बाद मोक्ष है। इसके लिए हम मोक्ष तक ही सीमित रह गए, इस जीवन से हम अलग अलग टूटते गए, बिखरते गए, अलग होते गए। Why does Jain religion only concentrate on individual liberation? बस जैसे उस दरिप भाई जो अपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इस विषय में जितना हम एक व्यवस्थित रूप से समय दे करके इसकी एकदम गंभीरता से अगर विवेचन किया जाए, तो एक तरह से कहा जा सकता है, अगर मेरी भाषा को अगर इसे दूसरे अर्थ में न लिया जाए, तो जैन धर्म की जो व्यापकता थी वो जो संकुचित होती गई, क्षीण होती गई। और अगर मैं लौकिक भाषा में कहूँ कि जैन धर्म का जो क्रमशः जो पतन हुआ है, 50,000 की संख्या के साथ साथ ही सिमट करके 10,000, और अगर हम कहीं और कंपेरिजन में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म आज भी दुनिया के तीसरे में है और जैन धर्म आज हिंदुस्तान में भी नीचे से पहला है, तो ये हमारी जो इस संकीर्णता आई, इस संकीर्णता का कारण हमने इस जीवन के विषय में हमने उपेक्षा की और ये मोक्ष ये ऐसा नहीं है। वस्तुतः ऐसा कहीं पर भी केवल परलोक की बात महावीर ने नहीं की, उन्होंने इस जीवन के लिए और यहाँ तक का नो यह लघु संसप होगा ना परलोक संसप होगा, परलोक की कामना से तुम कुछ मत करो, तो फिर परलोक की बात कामना की मुक्ति के लिए ही जब भगवान ने आदेश दिया है, तो हम क्यों परलोक के मोक्ष की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। यहाँ तो राग, तुम्हारी आसक्ति कम हो, तुम्हारा द्वेष, तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारी घृणा, जिससे कि तुम यहाँ पे दुखी होते हो, उस दुख से मुक्ति का मार्ग यहाँ खोजो, तो कहाँ इसका परलोक के साथ केवल संबंध आता है? और क्यों हम परलोक के विषय में विचार करते हैं? जो वर्तमान है उसकी हम क्यों उपेक्षा कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। मेरी दृष्टि से ये सोच संकीर्ण सोच है, इस सोच में से आगे निकलना जरूरी है। सैकड़ों वर्षों से आचार्य
क्षमा श्रमण देवर्ति गणी सबने और पूरी सारी परंपरा है जिन्होंने बिल्कुल आप सुमित्रा जी आप बिल्कुल एकदम से सही बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि सही है कि आचार्य देवर्ति गणी क्षमा श्रमण और उनके भी पहले पहले आचार्य भद्र बाबू जो नेपाल में साधना कर रहे थे लेकिन संघ के लिए उन्हें संघ की सुरक्षा के लिए प्रभु की वाणी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत जो साधना नेपाल में साधना कर रहे थे उस साधना को छोड़ करके वो महाप्राण योगिक साधना में वो संलग्न थे उस साधना को छोड़ करके चूँकि संघ का प्रश्न है तो संघ के लिए व्यक्तिगत साधना का कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह से आचार्य देवर्ति गणी क्षमा श्रमण और उसके बाद में एक सुदीर्घ आचार्यों की परंपरा है जिन्होंने जीवन के तमाम परिस्थितियों में से अपने आप को एक संघ के लिए समाज के लिए मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है। और मैं बहुत सारी ऐसी बातें जिसे आप सुन नहीं सकोगे अगर मैं पार्श्वों की बात अगर कहूँ तो आप उस बात को सुन नहीं सकोगे इतना संघ की सुरक्षा के लिए जीवन की सुरक्षा के लिए इस जीवन की सुरक्षा के लिए साधु कितनी दूर तक जा सकता है कितनी दूर तक जाकर के इस जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयत्न कर सकता है। अगर कभी मौका मिलेगा और आपसे मैं उन तमाम विषयों की चर्चा करूँगी लेकिन आज हम हर दिन हम संख्या की दृष्टि से संकुचित इसलिए हो रहे कि हमारी वैचारिक संकीर्णता एकदम सिमट गई है और इसी का कारण है कि आज कपड़े धोने में भी हम सड़कों पर गंदगी फैला देते हैं कि अगर हम साधनों का उपयोग करेंगे तो उसमें हिंसा होगी लेकिन हम नहीं देखते कि सामाजिक दृष्टि से इस तरह से महावीर की उस तत्व ज्ञान को क्या हम उसको एक सम्मान दे पा रहे हैं या उनके उस ज्ञान के प्रति हम उपेक्षा कर रहे हैं। हमें सोचना होगा बहुत व्यापक ढंग से विचार करने की जरूरत आज के युग की हो गई है और इस शताब्दी में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कब हम सोचेंगे। सही है।